Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूक्रेन के लवीव में जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर हमले से 35 सैनिकों की जान चली गई, इस जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आम लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और सैनिक अपने साथियों के लिए बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। माहौल यहां पर बहुत गमगीन है क्योंकि लवीव में इस तरह से आक्रमण होगा वो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एक सैन्य ठिकाना जो कि पोलैंड की सीमा से बहुत अधिक दूर नहीं था, वहां पर हमले में 35 जवानों को गवा देना युद्ध की जो हकीकत है वो यूक्रेन को बयां कर रहा है। खासकर यूक्रेन का ये पश्चिमी हिस्सा जो अधिकांशतः अछूता ही रहा था। लवीव में भी रहकर इस तरह के एयर रेड सायरन्स बढ़ रहे हैं। यहां पर आप जो सैनिक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा हो रही है जहां 35 सैनिकों ने लवीव में जान गंवा दी थी। यहां पर जितने भी लोग हैं वो लवीव को बढ़ते खतरे को भी समझ रहे हैं। उनके इस श्रद्धांजलि सभा के समापन के साथ ही यहां पर ये एयर रेड सायरन्स बजने शुरू हो गए हैं और ये बता रहे हैं कि युद्ध किस तरीके से यूक्रेन के पश्चिमी मोर्चे पे भी पहुंच चुका है। लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई और आज यहां पर वो श्रद्धांजलि सभा हो रही है आयोजित। जो परिवार वाले हैं अपनों को खोने का दुख है, लेकिन लवीव के तमाम लोग यहां पर निकल कर आए हैं, उमड़ कर आए हैं अपनी सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, अपने देश के लिए अपना समर्पण दिखाने के लिए। ये एयर रेड सायरन्स भी इन्हें इस समय विचलित नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव।